ये जो पिछले 3 दिन से लोग मेरे मोदक खाते हुए फोटो खींच के मुझे ताने दे रहे हैं ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। पता है, अब तो गिल्ट कॉन्शियस होने लग गया है मोदक खाते हुए। ये रोस्टिंग की आदत जो है, पता नहीं कहाँ से पड़ी, कहीं हमारे सेगमेंट से ही तो नहीं पड़ी भाई, पोस्ट के रोस्ट से। क्योंकि आज हो रहा है सहबान का पोस्ट का रोस्ट। हाय, दिस सहबान अजीम और आप लोग देख रहे हैं पोस्ट पे रोस्ट। तो मैं अपनी पोस्ट पे रोस्ट करने वाला हूँ इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर। पहला फोटो है, काफ़ी मेहनत लगती है मौसी बनने में, काफ़ी घंटे जाते हैं और काफ़ी सामान लगाना पड़ता है इधर से उधर, सर के ऊपर आसपास। तो कुछ 1 घंटा मेकअप होता था मेरा, हल्की सी स्टबल छुपाने के लिए, दाढ़ी छुपाने के लिए जितनी हो सकती है, और लिपस्टिक लगाने के लिए, आईलाइनर के लिए। इस पे कमेंट है, क्या सोच रही है मौसी, क्या सोच रही हो मौसी? मौसी सोच रही है कल्याणी और पिल्लू को अगवा करके ले जाए क्या हमेशा के लिए? या मौसी सोच रही है कि मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ, खूबसूरत हूँ काफ़ी, अभी तो मैं जवान हूँ, क्यों ना अपनी जवानी का फ़ायदा उठा लूँ। ये पोस्ट है राजस्थानी मल्हार। ऑफकोर्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर ही रहा होता था, कहीं ना कहीं ढूंढ ही रहा होता था चोर को या कुछ, किसी ना किसी को। ऐसे मुझे उगाने में उतनी मेहनत लगेगी जितने सिक्स पैक बनाने में लगती है। हाँ बिल्कुल लगेगी, ये मुझे सिक्स पैक से ज़्यादा मेहनती मुझे हैं। जो ये मुझे उगा सकता है वो सिक्स पैक से ज़्यादा मेहनत करता होगा आई एम श्योर। इनको बहुत ऑयलिंग करनी पड़ेगी और बहुत चीज़ें लगानी पड़ेंगी उसको ताव देने के लिए, उनको मोड़ने के लिए बहुत कुछ लगाना पड़ेगा और काफ़ी साल वेट करना पड़ेगा इतनी बड़ी मूछें आने के लिए। तो मुझे मैंने नकली लगा ली इसीलिए। मी एंड माई ब्रदर कामरान, एल्डर ब्रदर, और छोटा वाला मैं हूँ। और ये बर्थडे का फ़ोटो है, कामरान के बर्थडे का, मेरे भाई के बर्थडे का फ़ोटो है। मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि मुझे बचपन से पोस्ट करने का शौक था, तो मैं पोस्ट कर रहा हूँ और जहाँ मुझे देखना चाहिए वहाँ नहीं देख रहा हूँ। मुझे केक की तरफ, अपने भाई की तरफ देखना चाहिए, लेकिन मैं अपना मस्त पोस्ट करने में लगा हुआ हूँ। यू लुक द सेम सिंस योर चाइल्डहुड। ये फ़ोटो हमारे डायरेक्टर ने ली थी। कमेंट है, सेबी ऐसा मत करिए वरना हम फैंस का क्या होगा, आप पत्थर के बन गए तो हमारा दिल भी पत्थर का बन जाएगा। मोहम्मद वारिस ऑफ़ो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये सिर्फ एक लुक है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बनने वाला हूँ, ना मैं पत्थर का बनने वाला हूँ ना आप पत्थर के बनने वाले हैं, और हम सब इंसान हैं और दिल से एक दूसरे से प्यार करेंगे। थैंक यू। सच्ची सर, इसलिए इतने मैसेज करती हूँ कि आप मुझे इंस्टा पे याद कीजिए, आप करते नहीं हो। ओहो चलो देखो, याद कर लिया। आपका नाम है अनुपमा 6458। थैंक यू अनुपमा फॉर सच अ वंडरफुल मैसेज एंड आई ऑफ कोर्स रिमेंबर यू। दिस इज़ मी एंड अरजान मोक्ष। ये एक्चुअली हम सो रहे हैं, ये शूट का नहीं है, मेरे कमरे में थे और मेरे साथ खेलते खेलते थक गया था, तो मैंने इसको अपने सीने पे लेटा लिया और प्यार करते करते ही सो गया था। तो आई थिंक रीम टुक दिस पिक्चर। और वाह क्या बात है, बाप बेटे इतने कितने चैन से सो रहे हैं, सो स्वीट ऑफ बोथ। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, इश्क ने कर दिया बेहाल इश्क। वॉट इज़ दिस, दिन दहाड़े दिल से खेलना। दिल से तो मेरे खेला गया है, मैं क्या बताऊँ, ये योहान की कंडीशन आपको पता नहीं है। इससे पहले योहान को थप्पड़ पड़ा है, उसके मुंह पे सिंदूर लगाया गया है और बहुत रोया है वो, और ये उसका पेन सेजल को खोने का है। ये बहुत ही प्यारा घोड़ा है यार, बहुत ही खूबसूरत घोड़ा है, इसके साथ बहुत बॉन्डिंग हुई है मेरी और हमने शूट किया है बहुत। शालू शर्मा का मैसेज है, योहान शो के आने से पहले ही मारने का इरादा है क्या? अब इतना क्यूट लगोगे तो क्या होगा हमारा? शालू कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? इंटरेस्टिंग था यार, मतलब खुद की फ़ोटो पे रोस्ट करना। काफ़ी फ़नी फ़ोटोज़ डालता हूँ, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ, अब ध्यान से डालूंगा कि दोबारा रोस्ट ना हूँ मैं अपने आप को, दोबारा रोस्ट ना करना पड़े। थैंक यू सो मच। ABP News, आपको रखे आगे।